ये है दिल्ली दर्पण। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल चुनाव 2019। राज्यस्थली अपार्टमेंट पीतमपुरा में जब समाज समर्पित टीम पहुंची तो यहां के लोगों ने भी दिल खोलकर टीम विजेंद्र जिंदल का स्वागत किया। अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज। पहले तो प्रत्याशियों का परिचय कराया गया और फिर अपनी टीम के विजन को सबके सामने रखकर समाज समर्पित टीम ने ये साफ कर दिया कि ये टीम हॉस्पिटल पर अपना एकाधिकार नहीं चाहती, बल्कि ये टीम केवल 3 साल के लिए हॉस्पिटल की सेवा करना चाहती है, ताकि हॉस्पिटल की कार्यशैली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित किया जा सके और जो गड़बड़ी अकाउंट्स और अन्य चीजों में दिख रही है उसे जीत के तुरंत बाद ठीक भी किया जा सके। आपको बता दें कि राजस्थली अपार्टमेंट के सीए अरुण जैन भी समाज समर्पित टीम से कंट्रोल बोर्ड मेंबर के लिए चुनाव में उतरे हैं और इसी को देखते हुए यहां के लोगों से समाज समर्पित टीम को भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की राजस्थली अपार्टमेंट के प्रधान और प्रमुख लोगों से, जिन्होंने परिवर्तन को वक्त की बड़ी मांग बताया। ये टीम बहुत मेहनत से काम करेगी और परिवर्तन लाएगी। मैं खुद एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मैं बताता हूँ कि हॉस्पिटल बनाना एक काम है, हॉस्पिटल को चलाना दूसरा काम है। दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में अप्रोच का फ़र्क है। बनाने वाला थोड़ा कंजूस होता है, चलाने वाला थोड़ा उदार दिल होता है। तो ये टीम बहुत उदार दिल है। 25 करोड़ रुपया चैरिटी का अनाउंस किया है इन्होंने, बहुत बड़ा काम है और मुझे आशा है कि ये टीम जीत कर आएगी और निश्चित रूप से हॉस्पिटल को आगे ले जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो 15 साल से काम कर रहा है उनके विजन और उनके रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो अब हमें नए परिवर्तन की ज़रूरत है, नई टीम की ज़रूरत है, हमें नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और नई स्किल की ज़रूरत है, नए विजन की ज़रूरत है। उसके लिए ये टीम सक्षम है और मैं इस टीम के साथ हूँ, मैं इस टीम को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप ये सृष्टि का नियम है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जो नई टीम आ रही है, नई टीम आने वाली है, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ के समाज के विकास के लिए महाराजा अग्रसेन के पदचिन्ह पर चलते हुए आगे हॉस्पिटल को बढ़ाएं, जिससे समाज का विकास हो और हॉस्पिटल का विकास हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था को अच्छे से दे सकते हैं और प्रोफेशनली चाहिए, क्योंकि अभी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण जी ने जैसे कहा कि डॉक्टर के नाम से कोई परिचित नहीं है। आज हम मैदंता हॉस्पिटल में जाते हैं कि नरेश त्रयान है वहाँ पे, किसी गंगाराम में जाते हैं उसका डॉक्टर के नाम से परिचित है, एस्कॉर्ट में जाते हैं डॉक्टर अशोक सेठ है, यहाँ पे कौन है कि घनश्याम गुप्ता जी है, घनश्याम गुप्ता जी ने इलाज थोड़ी करना है। तो प्रोफेशनल ही होनी चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। हम अग्रवाल भाई हैं, 15-20 साल में बिजनेस जमाने के बाद अपने बच्चों को सौंप देते हैं कि भाई आप चलाइए इसको, नेक्स्ट जनरेशन को सौंप देते हैं। इसी तरह अब भी हॉस्पिटल का समय आ गया कि नेक्स्ट जनरेशन को आगे आना चाहिए और हॉस्पिटल की ख्याति को 4 चांद लगाए। इनएफिशिएंट एंड नॉन प्रोफेशनल टीम है एट प्रेजेंट, जो जब तक इन्फ्यूज़न ऑफ न्यू ब्लड, प्रोफेशनल ब्लड, इंटेलेक्चुअल ब्लड नहीं होगा तब तक ये सुधार नहीं आ सकते। मैंने अभी नई टीम जो ये खड़ी हो रही है इसको सुझाव दिया है कि 3 चीज़ें मस्ट कर दो आप। इंटरनल कंट्रोल एज टू ऑपरेशंस, एज टू परचेजेस जहाँ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, एज टू पेमेंट्स जहाँ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, एज टू रिसिप्ट ऑफ डोनेशन इन कैश इन काइंड एंड रेवेन्यू बिलिंग और टेंडरिंग। ये इतने इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर दो कि वो कोई गड़बड़ करना चाहे तो भी ना कर सके। मैं हॉस्पिटल के बारे में जब से सुनता आ रहा हूँ, जब से इसके प्लॉट अलॉट हुआ था, मैक्स हॉस्पिटल हमारा रोहिणी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और द्वारका महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को सेम डे सेम टाइम पे प्लॉट अलॉट करे गए थे, परंतु 2011 में मैक्स हॉस्पिटल शुरू हो चुका है, 2016 में महाराजा अग्रसेन द्वारका शुरू हो चुका है। ऐसी क्या कमियां रही हमारी कार्यशैली में, हमारी टीमों की कार्यशैली में, जो आज तक ये हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है।
मैं आप सभी ट्रस्टी गणों से ये चाहता हूँ इस बारे में विचार करें, क्यों वो हॉस्पिटल 7 साल पहले शुरू हो चुके, वो द्वारका वाला हॉस्पिटल 2 साल पहले शुरू हो चुका, आज हमारे हॉस्पिटल के लिए सुचारू रूप से चलने में आज भी 2 से 3 साल लगेंगे, ऐसी क्या कार्यशैली में कमी रही? हमारी पिछली टीमें जो आई 2 साल से सेम टीम रिपीट करी है, आज हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाए हैं। उससे पहले भी वो सब और लोगों के साथ हॉस्पिटल से जब से प्लॉट मिला उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपसे ये प्रश्न है, क्या कार्यशैली में आपकी कमी रही जो और अस्पताल जिनको सेम डे पे प्लॉट अलॉट करे गए थे उनको शुरू हुए वे, एक को 7 साल हो गए, एक को 3 साल हो चुके, आपकी कार्यशैली में क्या कमी रही? बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे ही नए नए और सनसनीखेज खुलासे भी होने लगे हैं और लोग खुलकर घनश्याम गुप्ता के कार्यकाल पर सवाल भी उठाने लगे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि घनश्याम गुप्ता इन आरोपों और सवालों का जवाब देते हैं या नहीं। लेकिन साल 2019 में होने वाले हॉस्पिटल के ये चुनाव इस बार किसी राजनीतिक चुनाव से कम नहीं दिख रहे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर